हेलो एवरीवन, आज मैं ट्रिक लेकर आया हूँ। किसी भी टू डिजिट नंबर को आप कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं विद इन 5 सेकंड, विद इन 10 सेकंड्स। ध्यान से देखिए, कोई भी टू डिजिट के नंबर हो मल्टीप्लाई करना है तो मैं सबसे पहले इसको लिख लूंगा 27 और 49। मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमें क्या करना है, 9 को 7 से करने की जरूरत नहीं है, 9 को 2 से करने की। डायरेक्ट मैं क्या करूंगा, यूनिट डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा। 7 नीम होता है 63, यहाँ पर उतार लूंगा। इसको आपस में कर दीजिए 4 दुनिया 8, और सिंगल डिजिट को 0 लगा के लिखना है। अब आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 9 दुनी कितना होता है 18, 7 चौका कितना होता है 28, दोनों को ऐड करिए कितना मेरे पास आएगा भाई, 8 और 8 16, 2 3 और 1 4, 46 मेरे पास आ गया। इस 46 को हमें क्या करना है, राइट साइड से एक डिजिट छोड़ के लिख देना है, देन ऐड कर देना है। ये हमारा 3 आएगा, 6 और 6 12, 8 और 4 12 और 1 13, यही हमारे पास आंसर आने वाला है। आप चेकआउट कर सकते हैं। ऐसे ही दूसरा सवाल हमारे पास है 47 और 62। अब हम फास्ट करेंगे इसको कैसे, 7 को 2 से करेंगे 14 आएगा, 6 को 4 से करेंगे 24 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 दुनिया 8 होता है, 7 6 42 होता है, 42 और 8 होंगे 50। इस 50 को कैसे लिखना है, राइट साइड से एक डिजिट छोड़ के और ऐड कर दीजिए। 4 आएगा 1 आएगा 9 आएगा 2 आएगा, यही हमारा आंसर हो गया। अब एक सवाल जो आप लोगों के लिए है, 49 को आपको मल्टीप्लाई करना है 73 से, और कमेंट करके मुझे आंसर जरूर बताना है। और ट्रिक अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करके जाएंगे, सभी अपने फ्रेंड से शेयर भी कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।